निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। मेरे माँ बाप ये सोच रहे मन में कि मेरा लड़का जिंदा क्यों मर गया, वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकते, जाने नहीं दे रहे। हम अपने माँ बाप के पास चलाए, बस यही बहुत है। वो मालिक नहीं रहने देते, किराया रोज मांगते, वो भी आफत करे, कहाँ से क्या खाऊं, क्या किराया। जो भी हो, प्रशासन हो या हमारे राज्य मंत्री हो, जो भी हो, हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित हम लोग को घर। क्या हुआ? हमारे घर मर गए, बड़न घर ही बड़न लेकर हमारे कैसे दिन जा। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। ट्रेन के लिए रह रहा हूँ पर ट्रेन आ रही नहीं है, जिस स्टेशन पे जाओ तो पुलिस वाले मारते हैं। हाँ सर, क्या करें, कुछ वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, नहीं तो पैदल पैदल जाएंगे। बाल बच्चे नहीं जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे, वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, क्या करें सर, बहुत मजदूरी, अब क्या करें। जो लिफ्ट लेके आए हैं यहाँ तक और यहाँ कहीं टिकट मिल जाएगा तो ले लेंगे सब। अब यहाँ रूम पे तो हम भूखे खाए चार चार आदमी। 9 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के घर तक राशन पहुँचाने का जो गरीब कल्याण योजना है उसके माध्यम से तो पहुँच ही रहा था, लेकिन एक विशेष प्रोटीन का आहार उस गर्भवती महिला तक पहुंचे, ऐसे देश के 9 करोड़ बहनों तक हमारी आंगनवाड़ी की बहनों तक होने में एक बार खाना मिला हमको। हाँ। बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे खाना मिला तो खाना ही हमको नहीं खाते। बोला नहीं, नहीं नहीं, पुलिस वाले बोलते आप कैसे चल पाओगे, इतना ही बोलते और जाओ बोलते, तो कोई मदद नहीं मिलती। नहीं सर, यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिया जाए सही सलामत, जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नते करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है।